नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी वीकली एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग में मिली है 51,176 की और इस वीक में बैंक निफ्टी ने 289 पॉइंट नीचे आके क्लोज किया है। लेकिन अगर लो से देखेंगे, जो बैंक निफ्टी ने इस वीक में लो लगाया, वो लो लगाया था 50,194 का, तो लो से लगभग हम 1,000 पॉइंट ऊपर जाके बैंक निफ्टी में क्लोज किए हैं। लेकिन वीकली चार्ट पे देखेंगे तो हम 289 पॉइंट नीचे आके क्लोज किए हैं। लास्ट वीक में लगभग हमने 2300 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी में देखी थी और इस वीक में हमने लगभग 300 पॉइंट के लमसम की गिरावट यहां पे बैंक निफ्टी में हुई है। लेकिन बैंक निफ्टी ने लो लगाया है 50,200 के आसपास का, वहां से क्लोजिंग जाके 1,000 पॉइंट ऊपर मिली है और यहां पे एक कैंडल बनी है। इस कैंडल को हम बोलते हैं हैमर कैंडल। हैमर कैंडल जो होती है वो सपोर्ट के पास बुलिश कैंडल होती है। लेकिन इसका एक तरीका होता है, तरीका ये होता है कि जब तक ये इस हाई के ऊपर जाके कंटिन्यू ट्रेड ना करे, क्लोज ना करे, तब तक ये बुलिश नहीं होता। इसके बीच में जो रहेगा तब तक ये न्यूट्रल रहेगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ना ज़्यादा सेलर एक्टिव होंगे ना ज़्यादा बायर एक्टिव होंगे। जैसे ये हैमर के ऊपर जाके ट्रेड करना स्टार्ट करे, यानी हैमर कैंडल के ऊपर ही जाके ट्रेड करना कंटिन्यू स्टार्ट करता है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो सेलर होते हैं वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप करना स्टार्ट करते हैं और नए बायर इसमें इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करते हैं। जो सेलर होते हैं वो फिर बाद में यहाँ पे बायर बन जाते हैं। लेकिन वो चीज़ें कब होगी, जब हैमर के ऊपर जाके हम कंटिन्यू ट्रेड करेंगे। जैसे यहाँ पे कैंडलें बनी हुई है, इस कैंडल को हम लगभग क्या बोलेंगे, ड्रैगन फ्लाई डोजी, या फिर यह क्या होता है, ट्विजर बॉटम। ट्विजर बॉटम की एक जैसी दो कैंडलें बनी हुई हैं, तो अगर इस एक कैंडल को, खाली अकेली कैंडल को देखेंगे तो ये कैंडल जो होगी वो ड्रैगन फ्लाई दोजी, और दोनों कैंडल को साथ में देखेंगे तो ये ट्विजर बॉटम है। तो ट्विजर बॉटम के बाद जैसे इसके ऊपर होल्ड करना मार्केट स्टार्ट करता है तो फिर मार्केट में वो मूवमेंट बनती है। ऊपर की साइड में ये वाली जो कैंडल देखेंगे, इस कैंडल को बोलते हैं हम शूटिंग स्टार, यानी शूटिंग स्टार मतलब ये एक बेरिश कैंडल है। यहाँ से मार्केट धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आया। यहाँ पर जो इस कैंडल को देखेंगे, अगर ये कैंडल का बॉडी बड़ा होता है तो हम इसे शूटिंग स्टार बोलते हैं, और इसे अगर इसका बॉडी छोटा है तो इसको बोलते हैं हम ग्रेव स्टोन दोजी। ग्रेव स्टोन जो दोजी होती है वो भी एक बेरिश कैंडल है, तो ग्रेव स्टोन दोजी बेरिश कैंडल है। उसी तरीके से हैमर क्या है, बुलिश कैंडल है, या फिर ड्रैगन फ्लाई बनती है तो ड्रैगन फ्लाई भी एक बुलिश कैंडल है। ड्रैगन फ्लाई में क्या होगा, जो यहाँ पर जिस तरह से ये बॉडी पतली सी बॉडी दिख रही है ना, बॉडी बहुत छोटी होती है टॉप साइड में, ऊपर की साइड में, तो अगर ड्रैगन फ्लाई बनेगी तो जो कैंडल होगी वो ऊपर की साइड में जो बॉडी होगी वो छोटी बनेगी। तो यहाँ पर जो कैंडल बनी है एक बुलिश कैंडल यहाँ पे बनी है। लेकिन बुलिश कैंडल अभी बनी है, बनने का मतलब ये नहीं होता कि यहाँ पे बुलिश हो चुका है। बुलिश कैंडल बनी है, बुलिश कैंडल के ऊपर जब मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो यहाँ पे क्या होता है, सेलर अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप करना स्टार्ट करता है। इस कंडीशन में बेस्ट सपोर्ट हमारे पास क्या है, देखिए बेस्ट सपोर्ट हमारे पास ये ट्रेंड लाइन है, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन को हम कंटिन्यू देखेंगे। ट्रेंड लाइन के पास जब भी मार्केट आता है यहाँ पे बायर एक्टिव हो जाते हैं और यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर की साइड में चला जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 9 बार हमने सपोर्ट ले चुके हैं, 9 बार हमने सपोर्ट लिया है। बैंक निफ्टी का ये चार्ट है तो 9 बार हमने सपोर्ट लिया है। लेकिन ऊपर की साइड में जब भी इस लेवल के आसपास, यानी जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया, इस ट्रेंड लाइन के अपर एंड के पास पहुँचते हैं तो यहाँ पर सेलर भी एक्टिव हो जाते हैं। तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है। ट्रेंड लाइन जो ऊपर का है ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है। लॉन्ग टर्म में थोड़ा बड़े चार्ट पे देखेंगे तो वीकली चार्ट पे तो हमारे लिए अपर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, और जो डाउन साइड की जो ट्रेंड लाइन है ये हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रही है। तो ध्यान रखिएगा, जब तक इस सपोर्ट लेवल के नीचे बैंक निफ्टी क्लोज नहीं करेगा ना, तब तक यहाँ पे अब बड़े सेलर यहाँ पे एक्टिव नहीं होंगे। क्योंकि देखिए, यहाँ से हम गिरना स्टार्ट किए 54,500 से शायद हमने गिरना स्टार्ट किया और हम आ चुके थे कहाँ पे, 50,000 के आसपास। तो लगभग 4,000-4,500 पॉइंट की गिरावट ऑलरेडी यहाँ पे हो चुकी थी। तो यहाँ पे सपोर्ट लेवल के पास आके अब ये सपोर्ट ले रहा है। सपोर्ट ये कब कन्फर्म होगा, जब ये हैमर के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट करेगा। हम यहाँ पे क्या है, दो सपोर्ट लेवल हमारे पास में है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है और मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है। ध्यान रखिएगा, हम दोनों सपोर्ट लेवल के आसपास ही हमने यहाँ पे क्लोजिंग दी है बैंक निफ्टी में। मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी यहीं पे है और ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है, और दोनों सपोर्ट के ऊपर जाके, देखिए हमने वीक में इसके नीचे जरूर ट्रेड किया है लेकिन वीकली क्लोजिंग हमारी सपोर्ट लेवल के ऊपर हुई है। तो ये ध्यान रखिएगा, अब हमारे पास जो स्ट्रांग सपोर्ट निकल के आ रहा है वो सपोर्ट है हमारे पास 50,222 हमारे पास स्ट्रांग सपोर्ट है यहाँ पे। और शॉर्ट टर्म यानी डेली चार्ट पे अगर देखेंगे तो आपके पास में 52,444 ये रेजिस्टेंस है, यानी डेली चार्ट पे हमारे पास ये रेजिस्टेंस है और ये हमारे पास सपोर्ट है। तो जब तक इन दोनों के बीच में बैंक निफ्टी ट्रेड करेगा तब तक ये न्यूट्रल रहेगा, यानी ना ज़्यादा बायर यहाँ पे एक्टिव होंगे ना यहाँ पे सेलर एक्टिव होंगे। बायर थोड़े एक्टिव कब होंगे, जब हम इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा ये बायर के कंट्रोल
कंट्रोल में चला जाएगा, यानी सेलर अपनी पोजीशन छोड़ना स्टार्ट करेंगे और बायर के कंट्रोल में आएगा। जब ये इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो फिर नए सेलर आएंगे। देखिए जिन्होंने पोजीशन बना के रखी है वो अपनी पोजीशन को ऐसे बना के रखेंगे, वो अपनी पोजीशन स्क्वायर अप कब करेंगे, जब हम इस हैमर के ऊपर निकलना स्टार्ट करेंगे तो वो लोग अपनी पोजीशन धीरे धीरे स्क्वायर अप करना स्टार्ट करेंगे और नए यहाँ पर थोड़े बहुत नए बायर आएंगे। लेकिन ये बायर के कंट्रोल में कब आएगा, जब ये 52,444 के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट करेगा तो बैंक निफ्टी बायर के कंट्रोल में आएगा और इसके नीचे क्लोज करेगा तो फिर नए सेलर यहाँ पे आपको एक्टिव होते हुए दिखेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे पोजीशन स्क्वायर अप अपनी करेंगे कब, जब ये हैमर के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तब। तो यहाँ पे दो जगह आपकी नज़र होनी चाहिए, स्ट्रांग सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है और स्ट्रांग रेजिस्टेंस कहाँ पे बैंक निफ्टी में बन रहा है। फिलहाल तो हम बहुत अच्छे सपोर्ट लेवल के आसपास बैंक निफ्टी में है। सपोर्ट देखिए, मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है, उसके साथ में एक बुलिश कैंडल बनी है जिसको हम हैमर बोलते हैं। तो जैसे हैमर के ऊपर निकलना स्टार्ट करेगा सेलर अपनी पोजीशन स्क्वायर अप करना स्टार्ट करेंगे और छोटे मोटे यहाँ पे बायर भी एक्टिव होते हुए आपको दिख सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।